मेरे साथियों, आप एनसीसी के अपने पिछले कुछ महीनों या वर्षों को यदि याद कीजिए, आप याद करने की कोशिश करिए कि एनसीसी के अलावा आपने आखिरी बार कब टीम के साथ काम किया था। यहां तो मैं समझता हूं प्रायः सभी काम, वह चाहे आपको परेड करना हो या कल्चरल प्रोग्राम करना हो या फ्लैग एरिया में काम करना हो, आप टीम में ही काम करते हैं। कई बार तो रोजमर्रा के कामों के लिए भी आपको टीम के साथ जाना पड़ता है, पर सामान्य तौर पर हम जीवन में टीम के साथ उतना वर्क नहीं करते हैं। एनसीसी में आने के बाद हमारे अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी डेवलप होती है साथियों, वह होती है टीम स्पिरिट, और इस गुण को हमें अपने अंदर हमेशा बनाए रखना है। यह हमारी अपने सभी कैडेट से अपेक्षा है। आप देश दुनिया में अतीत की घटनाएं देख लें, जितनी भी बड़ी घटनाएं आप देखेंगे उनमें से अधिकांश आपको टीम वर्क की घटनाएं देखने को मिलेंगी। वह चाहे राम रावण युद्ध के समय सेतु का निर्माण हो अथवा भारत देश की आजादी की लड़ाई हो या अनेक गेम्स में हमारे देश द्वारा मेडल्स लाना हो, यह सब टीम वर्क की बदौलत ही संभव हो सका है। टीम वर्क का एक और बेहतरीन उदाहरण आपको हमारी रक्षा व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। जब कभी हमारे देश को जरूरत पड़ती है और हमारी सेनाएं सीमा पर कदमताल करती दिखाई देती हैं, उस समय केवल हमारी सेनाएं ही कदमताल नहीं कर रही होती हैं, उस समय हमारे देश के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैकेनिस्ट और अनेक सिविल अफसर भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर युद्ध लड़ने की नौबत आती है तो हमारी सेनाओं के साथ साथ पूरा देश युद्ध लड़ता है, और यह टीम वर्क का ही परिणाम है कि इतिहास में आप अनेक युद्ध देखेंगे जिसमें हमारे देश ने दुश्मनों को अच्छी तरह धूल चटाने में कामयाबी हासिल की है। मेरे प्यारे साथियों, और टीम स्पिरिट का सबसे बड़ा उदाहरण जो मुझे दिखाई देता है, वह मैं समझता हूं वह हमारा राष्ट्र स्वयं में है। यह देश अनेक प्रांतों का, अनेक भाषाओं का, अनेक बोलियों का और अनेक पंथों, मजहबों और यह विचारों का देश है। बावजूद इसके जब राष्ट्र हित में कुछ करने की बारी आती है तो सभी एकजुट होकर समर्पण के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। सीमा की सुरक्षा के लिए कभी यह नहीं देखा जाता कि वहां तैनात होने वाले सिपाही किस पृष्ठभूमि में ते हैं। चंद्रयान या मंगलयान जब लॉन्च होता है तो यह नहीं देखा जाता है उसमें काम करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर किस बैकग्राउंड से हैं। स्कूलों में जब शिक्षा दी जाती है तब यह नहीं देखा जाता है कि विद्यार्थी किस बैकग्राउंड से है। इसी तरह एनसीसी की जब ट्रेनिंग होती है तब यह नहीं देखा जाता है कि कैडेट्स किस बैकग्राउंड से आते हैं। कहने का मतलब, राष्ट्र निर्माण की राह में क्या जवान, क्या किसान, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या कोई और, सब अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए आगे आते हैं और राष्ट्र के लिए वह काम करते हैं। आज हमारा देश अगर दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होने की ओर लगातार बढ़ रहा है तो उसके पीछे यही कारण है। इसी तरह अनगणित उदाहरण है जो एक लक्ष्य के प्रति मिलजुल कर काम करने का संदेश देते हैं। हमें उस संदेश को जीवन में उतारना चाहिए। मेरे साथियों, टीम में काम करने से आप अपने जीवन में अनेक लाभ अनुभव करेंगे। और साथियों, पहला तो यही कि किस काम को अगर आप दो या उससे अधिक लोग मिलकर करते हैं तो आपकी ताकत केवल दोगुनी ही नहीं होती है बल्कि उससे कहीं अधिक होती है और आपकी सफलता की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे, काम जब दो लोग मिलकर कर रहे हैं तो फिर ताकत दोगुनी से अधिक कैसे हो गई? यहां मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप में से अनेक कैडेट्स ने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में आपने मैथ्स पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी के बारे में आप जानते होंगे। आपने देखा होगा मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों अलग अलग अपनी तरफ से कोई इफर्ट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो ए बढ़कर ए से ए स्क्वायर हो सकता है, ए क्यूब हो सकता है, ए रेज टू द पावर 4 हो सकता है, वैसे ही बी भी बी स्क्वायर हो सकता है, बी क्यूब हो सकता है, बी रेज टू द पावर 4 हो सकता है,
लेकिन दोनों ये फैसला करें कि हम अलग अलग प्रयत्न नहीं करेंगे बल्कि हम टीम स्पिरिट से हम काम करेंगे, तो आप ए प्लस बी ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, उसका होल स्क्वायर करिए, तो केवल आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही नहीं मिलेगा, इन एडिशन टू डेट आपको प्लस टू ए बी भी मिलेगा। यह एक एडिशनल अचीवमेंट होता है टीम स्पिरिट से काम करने का।